Hello everyone, welcome on my YouTube channel. So myself Akshay Jain, and as you know that we are starting a new video lecture series for CSIR NET. और इस सीरीज में हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्टिंग किया हुआ है, ठीक है. और इससे पहले चार लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर फोर के बाद फाइव नंबर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है CSIR NET के एग्जाम में. यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं लैग्रेंजियन से. तो आज हम लोग लैग्रेंजियन के बारे में पढ़ेंगे. मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा, बट आपको इतना ध्यान देना नहीं है डेरिवेशन के ऊपर, बिकॉज नेट के अंदर डेरिवेशन नहीं आते, वो MSc के अंदर आता है. तो आपको इतना डेरिवेशन के ऊपर फोकस नहीं करना है, यू जस्ट फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स, ठीक है. फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और न्यूमेरिकल आपको ध्यान रखने हैं, बस इसी पर हम लोग आज बात करेंगे आगे, ठीक है. और ये तो मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो आप लोग देख सकते हो आराम से इसको, ठीक है. और ये हमारे कंटेंट्स जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, बाकी ऊपर के तीन हम लोगों ने पढ़ लिए, चौथा कंटेंट कोई काम का नहीं है. बस इतना याद रखो कि लैग्रेंजियन निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का हम लोग यूज़ करते हैं. लैग्रेंजियन क्या होता है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तो यही बात हम लोग आज डिस्कस करेंगे. अगर आप लोग मुझे लाइव देखना चाहते हो और लाइव कमेंट अगर लाइव चाहते हो, तो आप लोग अनअकैडमी पे मुझे देख सकते हो. अनअकैडमी पे आपको लाइव क्लासेस वहाँ पर मेरी मिल जाएगी, और साथ ही आप रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, बिकॉज अनअकैडमी प्लस पर आपको टोटल CSIR नेट का सिलेबस वहाँ मिल जाएगा. चलिए अब आप देखते हैं, हम लोग ये कंस्टेंट तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में देख लिए थे, और यहाँ पर हम लोगों ने देख भी लिया था, क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कंस्टेंट भी हम लोग देख लेते हैं. जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने देख लिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए. अब देखो प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क क्या होता है, इस प्रिंसिपल के ऊपर ही हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं, लैग्रेंजियन निकालते हैं. इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सी एक बात बोली गई है कि अगर किसी पार्टिकल पर इमेजनरी या फिर इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, मतलब बहुत छोटा सा आप लोग डिस्प्लेसमेंट दो, नेग्लेजिबल, तो अगर नेग्लेजिबल डिस्प्लेसमेंट वहाँ दिया जाए, तो उस डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग जो वर्क होता है वो जीरो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं मान लीजिए वो भी जीरो है, Fi बराबर जीरो है, तो वर्चुअल वर्क बराबर जाएगा जीरो जाएगा. तो इस पर ध्यान मत इतना दें, या फिर आप एक तरह से एक चीज याद रखो कि कंस्टेंट आप लोगों ने पढ़े, कंस्टेंट किसी ना किसी फोर्स पर लगाया जाता है, ठीक है ना. तो कंस्टेंट के द्वारा या कंस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो जीरो होता है. तो बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखें, और कुछ भी आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है. ये तो डेरिवेशन है, बस इतनी वाली बात आपको ध्यान रखनी है. एफ ए, ए मतलब कि कंस्टेंट फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो कंस्टेंट फोर्स के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब जीरो हो जाएगा लगभग. अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ द टोटल वर्चुअल वर्क इज जीरो, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है ना. तो इक्विलिब्रियम में अगर कोई सिस्टम अवेलेबल है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या हो गए, टोटल मिला के जीरो हो गए. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स जीरो है तो वर्क जीरो हो जाएगा, और वर्क अगर जीरो हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. और वहाँ से ये चीज़ निकल के आती है कि कंस्टेंट की वजह से जो फोर्स या जो आप लोग वर्क निकालते हो वो जीरो होता है, बस इतनी बात आप ध्यान रखें. और डी एल एम्बर्ट प्रिंसिपल तो वही का वही है, ये सिंपली फोर्स बराबर मोमेंटम होता है, इसको याद ले जाओगे तो जीरो जाएगा. तो ये एक्सटर्नली आपने लगाया फोर्स, ये उसके अंदर से इंटरनली मोमेंटम जनरेट हुआ, चेंज हुआ नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, तो टोटल मिला के कितना हो गया, फोर्स जीरो हो गया. इक्विलिब्रियम अगर स्टेट आपकी है तो इक्विलिब्रियम के अंदर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जस्ट इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंटरनल फोर्स, देन टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो. सो यू कैन से दैट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अगर डेल्टा आ रही है, तो ये कहलाएगा आपका डी एल एम्बर्ट प्रिंसिपल. और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया हुआ है लैग्रेंजियन का, जो आप लोग MSc के अंदर पढ़ते हो. तो ये डेरिवेशन का इतना कोई इतना औचित्य नहीं है आपके CSIR नेट में, आप इसको स्किप भी कर सकते हो. और डेरिवेशन के बाद में आप डायरेक्टली याद रखें लैग्रेंजियन क्या होता है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ठीक है. तो यहाँ पर अगर सिंपल बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, जहाँ पर जनरलाइज्ड फोर्स क्या होता है,
क्यू आई क्यू के इज इक्वल टू एफ आई ए फोर्स मल्टीप्लाई विद डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के। आर आई क्या है? नॉर्मल कोऑर्डिनेट। क्यू के क्या है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है पहली बात तो, क्योंकि इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है जनरलाइज्ड फोर्स निकालने के ऊपर। तो क्यू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ आई ए डॉट डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के। और अगर आपका सिस्टम कोई भी सिस्टम हो, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, कोई भी सिस्टम हो, उसके लिए ये कहलाती है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आगे एक बात ध्यान रखें, अगर आपका सिस्टम कंजर्वेटिव है, सपोज अगर आपका सिस्टम क्या है, कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव के अंदर हम जानते हैं बेसिकली क्या होता है, फोर्स बराबर नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, और यू कैन से दैट पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ द पोजिशन। तो इसका ग्रेडियंट भी किसके रेस्पेक्ट पे निकलेगा? एन डेल्टा आर आई के रेस्पेक्ट निकलेगा। तो हम लोग जब क्यू के निकालेंगे जनरलाइज्ड फोर्स, तो कितना निकल के आ जाएगा? आर आई चार आई कट जाएगा, तो कितना निकल जाएगा? माइनस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू के, तो ये हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी से या जनरलाइज्ड वेलोसिटी से क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट रहेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? d अपॉन dt डेल u अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जीरो को जोड़ दूंगा या जीरो को घटा दूंगा तो कोई दिक्कत आएगी या? बिल्कुल नहीं आएगी, क्वेश्चन वही की वही रहेगी। तो इस जीरो की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? d अपॉन dt डेल्टा u अपॉन डेल्टा क्यू के। इसको थोड़ा आप अरेंज कर दो, इक्वेशन को अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? टी माइनस यू हर जगह हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डे अपॉन dt डेल्टा t अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट माइनस का d अपॉन dt डेल्टा u अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू के माइनस सिंपली। और यहाँ पे मैं हम जो ये क्वांटिटी बनती है ना टी माइनस यू, दैट इज काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए होती है। तो कंजर्वेटिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कंजर्वेटिव के अंदर ये वाली इक्वेशन वर्क करती है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम। और जहाँ पे लैग्रेंजियन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस का पोटेंशियल एनर्जी सिंपली। तो आप लोग को ये लर्न करना है, आपको ये लैग्रेंजियन लर्न करना है, और सब ऑल सिस्टम के लिए आपको ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करती है, ओनली काइनेटिक एनर्जी की टर्म भी आती है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में, जहाँ पे जनरलाइज्ड फोर्स जो होता है ना वो सिंपली इसी तरीके से वर्क करता है, एफ आई ए डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के लाइक। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन हैंडल करना सिखाता हूँ कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है। अब यहाँ पे आप समझो, थैंक यू वाली स्लाइड के अंदर आप लोग समझो कि क्वेश्चन टेकल कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले लैग्रेंजियन आपसे पूछा जाएगा, लैग्रेंजियन आपको निकाला जाएगा। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको लैग्रेंजियन निकलवाया जाएगा, तो आपको सिंपली याद रखना है कि लैग्रेंजियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी माइनस का पोटेंशियल एनर्जी। अब सिस्टम आपको दिया जाएगा, सिस्टम में अलग अलग प्रकार से आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और अलग अलग प्रकार से आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अगर मान लीजिए सिस्टम जो है वो केवल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन सिस्टम का मतलब सिस्टम के अंदर कोई भी मासेस अवेलेबल होंगे ना, तो अगर सिस्टम के अंदर मासेस जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं, मतलब कि स्थानांतरित गति कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर वी आप लोग ध्यान रखना, वी जो होगा वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग काम किया जाएगा, समझ में आया? इसका मतलब अगर मान लीजिए ये तो मैं निकाल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले, क्योंकि आपको पहले टी निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका सिस्टम, अगर आप सिस्टम में वर्क कर रहे हो, कार्टेशियन के अंदर वर्क कर रहे हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये मैंने आपको सिखाया है जब मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली क्लास ली है, तो आपको सिखाया है कि वी स्क्वायर आपको कैसे कैसे लिखना है, किस सिस्टम में आप वर्क कर रहे हो। अगर आप लोग वर्क कर रहे हो पोलर सिस्टम के अंदर, और याद रखना सिस्टम में मोशन के दौरान, मोशन के ड्यूरेशन में जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसी को आप लोग रखोगे वी स्क्वायर में, जो फिक्स है कोऑर्डिनेट या जो चेंज नहीं हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग डॉट बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब कि उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगी? जीरो। मान लीजिए एक्स कंस्टेंट है, मान लीजिए वाई कंस्टेंट है, मान लीजिए जेड, मतलब कि वो चेंज नहीं हो रहा। अगर कोई कोऑर्डिनेट कंस्टेंट है
कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो मोशन के ड्यूरेशन में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अगर वो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके करस्पोंडिंग जो डॉट है, डॉट मतलब कि चेंज, डॉट मतलब कि क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, तो उसके करस्पोंडिंग क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। समझ में गया? अगर मान लीजिए एक्स कांस्टेंट है तो उसके करस्पोंडिंग डेल एक्स अपॉन डेल टी जीरो हो जाएगा, लाइक दिस। अगर सिस्टम आपका पोलर है तो पोलर सिस्टम आप जानते हो, पोलर के अंदर काम करते केवल दो, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, मतलब कि पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है वो तो आर कहलाएगा, और एक्स एक्सिस के साथ में उसका एंगल कितना है वो थीटा कहलाएगा। समझ में आइया? अगर सिस्टम आपका है सिलेंड्रिकल, तो याद रखना सिलेंडर की रेडियस जिसे आप रो बोल देते हो या फिर आर बोल देते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। रो स्क्वायर प्लस रो फाई डॉट स्क्वायर, रो स्क्वायर फाई स्क्वायर प्लस, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप स्फेरिकल में वर्क कर रहे हो सिस्टम के अंदर, तो स्फेरिकल के अंदर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाई डॉट स्क्वायर, तो इस तरीके से आपको वर्क करना है अगर सिस्टम। और दूसरी बात, सिस्टम के अंदर जितने मासेस होते हैं उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की टर्म आती है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसके मासेस सब वर्क कर रहे होंगे, तो सिस्टम में जितने मासेस होते हैं इसका मतलब जितने भी मासेस हैं वो सब ट्रांसलेशन मोशन कर रहे होंगे, तभी तो उनके अंदर टर्म आएगी। सभी मासेस ट्रांसलेशन मोशन कर रहे होंगे, इतनी ही काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स आती है, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स आती है। मतलब अगर सिस्टम में दो मासेस हैं और दोनों ही क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, हाफ एम वन वी स्क्वायर पहला वाला मास, और दूसरे के लिए क्या करोगे, हाफ एम टू वी स्क्वायर, लाइक दिस। समझ में गया? अगर मान लीजिए पार्टिकल जो है या जो आपका मास है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है ना, तो एक बात ध्यान रखना, अगर वो रोटेशनल मोशन कर रहा है ना, तो उसके लिए आपको लिखना है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, आई कहलाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। तो जितने मासेस रोटेशन मोशन करेंगे ना उतनी ही टर्म आएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, इस तरीके से, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो कितने तरीके डिफाइन होती है, वो कैसे डिफाइन होती है, देखो पहली बात तो अगर मास जो है वो किसी हाइट पर होता है, जितने मासेस हाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली एम जी वाई, वाई का मतलब ये होता है कि वाई एक्सिस पर पार्टिकल कितना है उसे बोलते हैं एम जी वाई। अगर एच हाइट पर है ऊपर की तरफ, मतलब ये रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस मतलब कि वो एक्सिस जो आपका रेफरेंस पॉइंट है और इससे पार्टिकल ऊपर अवेलेबल है एच हाइट पर, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ऊपर की तरफ मतलब प्लस वाई एक्सिस है तो एम जी एच, नीचे की तरफ है तो माइनस वाई एक्सिस है, मतलब माइनस का एम जी एच, लाइक दिस। तो जितने मासेस हाइट कंटेन करते हैं, जितने मासेस हाइट कंटेन करते हैं मतलब हाइट पर है, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आती है, पोटेंशियल एनर्जी की
टर्म्स आती है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए स्प्रिंग अवेलेबल है तो स्प्रिंग के लिए, ये भी ध्यान रखना, स्प्रिंग के लिए क्या हो जाएगा, फॉर स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपको यूज लेना है स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग के लिए आपको हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे के उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा और एक्स होगा उस मास का डिस्प्लेसमेंट जो स्प्रिंग की वजह से डिस्प्लेस्ड हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स कहलाएगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, ठीक है ना, इन बातों को ध्यान रखोगे तो आपका लैग्रेंजियन आपसे बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं और उन एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको लैग्रेंजियन कैसे निकालना है, क्योंकि लैग्रेंजियन निकालना आपके एग्जाम में बहुत आता है। चलिए फटाफट से एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग आगे फर्दर वीडियोज में और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पहले हम लोग इस वाले वीडियो में एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एग्जाम्पल इसको चेक करेंगे। देखो पहला एग्जाम्पल, केवल एक एग्जाम्पल देख लो आप इस वाले वीडियो में, फिर आगे हम लोग एग्जाम्पल बाद देखेंगे। सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल कौन सा है, सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम एग्जाम्पल। मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है, आपको निकालना है इसका लैग्रेंजियन। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका लैग्रेंजियन निकालना है। तो पेंडुलम कैसा होता है, ये रेफरेंस एक्सिस है, ये लटक रहा है पेंडुलम, इस पर एम मास लटका हुआ है। इस एम मास के पास में अगर मैं इसको कार्टिशियन के अंदर सोल्व करूं, दोनों में सोल्व हो जाएगा, ये कार्टिशियन में भी हो जाएगा और ये पोलर के अंदर भी हो जाएगा। ठीक है, पोलर में तो क्या है, इसके पास एक लेंथ है, ये लेंथ है और एक एंगल है, ठीक है ना, तो ये पोलर के अंदर भी वर्क कर सकता है। और कार्टिशियन में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये एम मास इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो आपको ये एक्स वाई निकालना पड़ेगा पहले, एक्स वाई कितना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी आपको लैग्रेंजियन के लिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर निकालनी पड़ेगी। अगर हम कार्टिशियन में वर्क कर रहे हैं तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से। मतलब कि मैंने क्या कहा था, कार्टिशियन में आपको निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, तो मुझे पहले एक्स डॉट और वाई डॉट तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स डॉट और वाई डॉट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से ट्राइंगुलर त्रिभुज के नियम, मतलब त्रिभुज के फॉर्मूले यूज में ले लो, तो आपको पता चल जाएगा थीटा से चिपका हुआ एक्सिस कोस का होता है और थीटा के सामने वाला एक्सिस साइन का होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये एल लेंथ है, ये एल आपका लेंथ है, तो थीटा से चिपका हुआ एक्सिस क्या कहलाएगा आपका, ये वाला कहलाएगा, तो ये कोस का हो जाएगा, मतलब कि वाई बराबर क्या हो जाएगा, एल कोस थीटा, और थीटा के सामने वाला एक्सिस साइन का होता है अगर आपका समकोण त्रिभुज है, मतलब कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर ये वाली बात आ जाएगी। तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एल साइन थीटा, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब अगर मुझे एक्स डॉट निकालना है, ठीक है, इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो कोऑर्डिनेट है, एक तो एल है और एक थीटा है, तो पहले एल का करेंगे डॉट, थीटा वाला कांस्टेंट, फिर थीटा का करेंगे डॉट, मतलब कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और थीटा हो जाएगा। और ये बट एक बात ध्यान रखना, इसको आप सोल्व करोगे तो मैं पूरा सोल्व कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जो लेंथ है वो वेरिएबल है तब तो एल डॉट का मतलब है, बट एक बात ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पर एल फिक्स है, आप पेंडुलम मोशन कर रहा है, आपका पेंडुलम मोशन कर रहा है, ठीक है, तो एक इजी तरीका ये भी है, देख लो पेंडुलम मोशन कर रहा है तो यहाँ पे ये एल फिक्स है, मैंने ये एल वेरी इसलिए करवा दिया, कभी कभी एग्जाम्पल्स में ऐसा भी आता है कि वेरिंग लेंथ का पेंडुलम है, मतलब कि पेंडुलम जब भी आपका रोटेट करेगा, पेंडुलम जब भी आपका मोशन करेगा तो उसका जो लेंथ है वो रोटेट होगा, बट यहाँ पे रोटेट नहीं है, मतलब रोटेट क्या, सॉरी, वेरी करेगा, वेरिएबल लेंथ का है, तो वेरी अगर करेगा आपका लेंथ तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, बट यहाँ पर आपका जो लेंथ है वो वेरी नहीं कर रहा पेंडुलम का। ठीक है, तो एल फिक्स है, मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है, तो जो कोऑर्डिनेट मोशन के दौरान फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है, उसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका एल जो है वो चेंज नहीं हो रहा, एल फिक्स है, इसलिए एल डॉट उसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इसको अगर आप वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो
तो इन दोनों को आप ऐड कर दो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, एल डॉट स्क्वायर। जब आप इनको ऐड करेंगे तो इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन हो जाएगा, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो पोलर से करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, पोलर से आप करते हो तब भी। मैंने आपको क्या बताया, पोलर के अंदर आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर उससे भी हो जाएगा, और मैंने कार्टेशियन सॉल्व किया इसको तब भी यही आंसर आएगा। बट यहाँ पे एल कंस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, और आप चाहो तो यहाँ पर इसको फिक्स मान के भी कर सकते हो। तो अगर आपने एल को फिक्स माना तो जब आप एक्स डॉट निकालोगे तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, एल फिक्स है तो केवल थीटा का होगा डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा थीटा डॉट। और यहाँ पे भी अगर आपका वाई डॉट बराबर निकालोगे तो एल फिक्स है तो केवल एल कॉन्स्टेंट रहेगा, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और ये थीटा। तो आप यहाँ से भी सिंपली निकाल सकते हो, बट मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है इसलिए एल को वेरी करवा दिया, कभी कभी एल वेरी भी करता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी वाई, मतलब कि नेगेटिव एक्सिस में आपका जा रहा है पार्टिकल, एच एम जी एच है वैसे तो फॉर्मूला, बट उसका जो वाई है वो नेगेटिव एक्सिस में है, मतलब नीचे की तरफ है, इसलिए आपको माइनस वाई लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका पार्टिकल इस रेफरेंस एक्सिस से नीचे है। तो आप जानते हो सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका एक्सिस कहलाता है, यहाँ पर प्लस वाई होता है और यहाँ पर क्या होता है, नीचे की तरफ माइनस वाई, तो ये आपका रेफरेंस एक्सिस कहलाता है। तो पार्टिकल अगर नीचे है इसका मतलब ये हाइट कहलाएगा माइनस का वाई, तो माइनस का वाई है और आपको वाई बराबर दिया हुआ है एल कोस थीटा, तो यहाँ पर वी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एम जी एल कोस थीटा। तो सिंपली आपको अगर लैग्रेंजियन निकालना है तो लैग्रेंजियन बराबर क्या हो जाएगा, एल माइनस टी, टी माइनस वी, टीवी टेलीविजन, टेलीविजन से आप याद रखो, टेलीविजन मतलब टीवी, तो टी माइनस वी, तो हाफ, ये आपका टी निकाल लिया आपने, ये आपका वी निकाल लिया आपने। ठीक है ना, सोल्व कर लो तो एल निकल जाएगा इस तरीके से। अगर आपसे पूछा जाए कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, ये होता है डी अपॉन डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट माइनस का डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के, जहाँ पे क्यू के कहलाएगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, मतलब कि वो कोऑर्डिनेट जो मोशन के दौरान चेंज हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर आपको लैग्रेंजियन दिया हुआ है तो आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जिस भी कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लगा हुआ है लैग्रेंजियन में, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे थीटा के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब थीटा चेंज कर रहा है, और जो चेंज कर रहा है वही आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो इसके ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर केवल एक ही ऐसा कोऑर्डिनेट है जो चेंज हो रहा है, और वो है थीटा, तो हम लोग केवल थीटा को ही क्या मान लेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट मान लेंगे। ठीक है ना, इसी को, अब यहाँ पे देखो मास एक ही था इसलिए एक ही काइनेटिक एनर्जी टर्म आएगी, और वो मास केवल कर रहा है ट्रांसलेशन मोशन इसलिए केवल एक ही टर्म है, रोटेशनली कोई टर्म आएगी नहीं। तो क्यू के बराबर क्या हो जाएगा, थीटा डॉट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली डी अपॉन डी डी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट माइनस का ही लिख दिया। बस आपको सिंपली क्या करना है, एल को थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक बात ध्यान रखना, लैग्रेंजियन डिपेंड करता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के ऊपर, जनरलाइज्ड वेलोसिटी के ऊपर और टाइम के ऊपर, इन पर ये डिपेंड करता है आपका लैग्रेंजियन। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड वेलोसिटी दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो जब आपने लैग्रेंजियन का थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर केवल ये थीटा डॉट ही डिफरेंशिएट होगा, उस समय थीटा आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए मैंने डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट जब निकाला तो यहाँ पे थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और इसका क्या हो जाएगा, टू थीटा डॉट, तो टू से टू कट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है ना, तो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट बच जाएगा, टू से टू कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। फिर माइनस, फिर मैंने क्या लगा दिया, माइनस, फिर मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो वहां पर थीटा डॉट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, तो माइनस का ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और माइनस क्योंकि कोस का होता है माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन हो गया एम जी एल साइन थीटा जीरो। फिर देखो एम एल स्क्वायर बाहर, थीटा डॉट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार था, यहाँ पर फिर से टाइम लिखा हुआ है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये दो बार हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, माइनस माइनस प्लस एम जी एल साइन थीटा बराबर जीरो। एम एल स्क्वायर का डिवाइड कर दो आप आराम से, तो एम एल स्क्वायर डिवाइड कर दिया आपने, तो जी अपॉन एल साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा। ठीक है,
जी अपॉन एल को हम सिंपली फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक सिंपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो ओमेगा इसे बोलते हैं जी अपॉन एल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द सिंपल पेंडुलम। और स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर अगर आपका एंगल छोटा है, अगर थीटा यहाँ पे छोटा होता है तो ये बात ध्यान रखना, मतलब पेंडुलम को आपने जस्ट इसे सरकाया, जरा सरकाया, ज्यादा मत सरका देना, आपने थोड़ा सरकाया तो थोड़ा सा पेंडुलम ऐसे करता रहेगा। मतलब थीटा आपका स्मॉल है स्मॉल ऑसिलेशन की कंडीशन में, तो साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली थीटा बोल सकते हैं फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। सो यू कैन से दैट इसको आप थीटा लिख सकते हो। और ये आप लोगों की जानी पहचानी इक्वेशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, जहाँ पे ओमेगा रूट कहलाएगी फ्रिक्वेंसी। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है हमारे पास, अंडर रूट जी अपॉन एल, अंडर रूट जी अपॉन एल, और आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो इससे आराम से। तो इस तरीके से लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम किसी भी मोशन का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन से उसकी मोशन का स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपने स्टडी किया कि सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना, इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक क्या करेगा, मोशन करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है। ऐसे हम लोग पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेंडुलम पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैग्रेंजियन से प्रॉब्लम, और देन उसके बाद में हम लोग लास्ट ईयर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप लोग नहीं देखा हो, ताकि आपको आगे से आगे लेक्चर्स मिलते जाएं, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग शेयर करें जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि क्लासिकल से स्टार्टिंग हुई है तो धीरे धीरे हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग पहले क्लासिकल को पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, देन हम लोग फिर आगे और भी पेपर करेंगे। थैंक यू सो मच, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।